कैसे बना पार्ट? तो मतलब डायरेक्टर ने बुलाया यार, अलंकृता श्रीवास्तव जो है शी वॉन्टेड मी टू डू दिस फिल्म. उन्होंने फ़ोन किया, नरेशन दिया और मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से लिखा गया बहुत एक हल्के फुल्के अंदाज में बहुत गहरी बात. और हालांकि फिल्म तो नायिका प्रधान है, पुरुषों के रोल इतने बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, पर फिल्म से जुड़ना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये मैसेज, ये संदेश कि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, ये बाहर आना ज़रूरी था. आई थिंक रत्ना जी, बिकॉज अभी आप लोग भी देखेंगे उनका, शायद उनके करियर का ये सबसे डिफरेंट किस्म का रोल है, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ देखने के लिए. यार ये कोई इस मत इसमें ना लगाएं तो ये ह्यूमनिस्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम पुरुष टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, रात को कितने बजे भी घूम सकते हैं, किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, अपनी मर्जी की नौकरी कर सकते हैं, पचासों चीज़ें हैं जो हमारे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों, गांव, कस्बे तक महिलाओं को वो आज़ादी है ही नहीं. तो ये ह्यूमनिस्ट है कि महिलाओं को भी एज ह्यूमन्स तो देखिए, आप अपने बराबर तो देखिए. आई डोंट नो यार, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ट्रायल या प्रीव्यू पर कास्ट एंड क्रू के साथ देखना अलग बात है जिन्हें पूरी फिल्म मालूम है, लेकिन आम दर्शकों के साथ देखना वो एक अलग ही अनुभव है और सही रिजल्ट मूवी का तभी पता चलता है. मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी फिल्म लोगों को पसंद आएगी. जी हाँ जी जी जी. अरे नहीं भाई, काहे की इनसिक्योरिटी है. मुझसे पहले एक से एक महान कलाकार आए, काम किया, गए, मेरे बाद एक से एक महान कलाकार आएंगे और जाएंगे. तो ये तो तांता है, जिसके पास टैलेंट है वो उस टैलेंट का जितना हक उसे मिलना चाहिए मिलता रहेगा. यहाँ इनसिक्योरिटी और जेलसी की, और वैसे भी आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत और मैं दोनों बहुत ही मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में हैं, तो कोई कंपटीशन मैं नहीं देखता हूँ इसमें. रिलीज डेट क्या होगी सुशांत, अगर आप बता सकते? जी ये मुझे भी नहीं पता भाई, रिलीज डेट इसकी अभी तक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बोलो मत करो.